हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। पहली बार इस चैनल पे आए हैं। सो हाय, मेरा नाम भारती है। मैं यहाँ आपको वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ स्किन केयर, हेयर केयर और मेकअप से रिलेटेड। आज का जो टॉपिक है ना भाई, वो तो मेरा फेवरेट टॉपिक है एंड दैट इज परफ्यूम। आई लव परफ्यूम। अगर आप भी परफ्यूम्स पसंद करते हैं, आपको भी फ्रेग्रेंसेस पसंद है, तो ये वीडियो तो आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चीप रेट पे, अफोर्डेबल रेट पे बहुत ही अमेजिंग परफ्यूम्स कुछ होने वाले हैं। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे हाई एंड परफ्यूम्स भी हैं। अगर आपने मेरा परफ्यूम कलेक्शन नहीं देखा है अभी तक, तो मैं यहाँ लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जाके मेरा परफ्यूम कलेक्शन देख लीजिए, सो दैट आपको पता लग जाए दैट आई लव परफ्यूम अ लॉट। और आज का जो ब्रांड है ना, वो काफ़ी टाइम से वैसे तो मार्केट में है, बट मुझे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया दैट यू मस्ट ट्राई बेला विटास परफ्यूम। सो आई बॉट अराउंड सिक्स ऑफ देम, सिक्स येस आई बॉट सिक्स ऑफ देम। एक पहले से था मेरी फैमिली में, मेरे सिस्टर इन लॉ के पास। सो वेन आई स्मेल दैट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आफ्टर दैट आई ऑर्डर्ड सिक्स परफ्यूम्स। और उसके साथ साथ मैंने शावर जेल भी मंगाया है, उसमें डिओड्रेंट भी है, बॉडी लोशन भी है, सो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन सा मुझे पसंद आया, कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए। सारे वुमेन परफ्यूम होने वाले हैं, एक है जो यूनिसेक्स परफ्यूम है। सो अगर आपको पता करना है कि कौन सा परफ्यूम कैसा है और आपको किस परफ्यूम में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके लिए वी नीड टू स्टार्ट द वीक। ओके गाइज, सो हियर इज माई पैकेज, इट हैज़ एवरी थिंग। इसी के अंदर सारे परफ्यूम्स हैं जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सो गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं इनका जो फोर का सेट आता है, जिसके अंदर जो मिनी साइज परफ्यूम्स हैं वो आपको मिलते हैं और सारे ही वुमेन हैं। सो एक तो मैंने वो परचेज किया है, एक मैंने फुल साइज परफ्यूम 100 ml का परचेज किया है, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। वो इन चारों में से नहीं है, दीज फोर आर डिफरेंट। सो आपको जो फोर का सेट आता है ना, वो कुछ ऐसा आता है। प्राइस सबका मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी। नायका पे सारे परफ्यूम्स अवेलेबल हैं, सो यू गाइस कैन गो एंड बाय फ्रॉम देयर। बट मैंने ये जो परचेज किया है, ये मैंने परचेज किया था MGF मॉल है गुड़गांव में, वहाँ पे बेला विटा का ऐसे आउटलेट लगा हुआ है। सो फ्रॉम देयर आई परचेज इट, ग्राउंड फ्लोर पे है। सो यू गाइस कैन गो एंड यू गाइस कैन स्मेल एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आप कोई भी परफ्यूम वहाँ से परचेज कर सकते हैं। दिस इज द बॉक्स इन विच आई रिसीव्ड। एक तो मुझे ना पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी, काफ़ी लग्जरी है। जैसे इस पर लिखा हुआ था बेला विटा लग्जरी, तो इनकी पैकेजिंग तो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी है। ऐसे मुझे चार परफ्यूम्स मिले हैं, जिसमें एक है बेला विटा रोज वेमेन, एक है ग्लैम वेमेन, एक है सेनोरिटा, एक है डेट। नाउ इसके अंदर जो रोज है, मैं एक एक करके आपको परफ्यूम्स बता देती हूँ। जो रोज है ना, वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग साइड पे आपको लग सकती है जब आप इसको पहले ऐसे स्मेल करते हैं। एक तो सारे परफ्यूम जब आप नॉर्मली स्मेल कर रहे हैं ना, तो आपको स्ट्रॉन्ग ही लगेंगे। सो माय सजेशन इज कि आप उसको अपने रिस्ट पे अप्लाई करके और कुछ सेकंड्स तक उसको रहने दीजिए एंड देन यू स्मेल इट, तो आपको एक्चुअल स्मेल पता चलेगी। परफ्यूम में ऐसा होता है, जब आप एकदम से ऐसे स्मेल करते हैं, तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस उसकी लगती है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट परफ्यूम रोज, एंड जैसे कि इसमें लिखा हुआ है रोज, तो यस इट हैज डेफिनेटली इट हैज रोज। और ये थोड़ा सा फ्लावरी साइड और फ्रूटी साइड पे है, मतलब इट इज मिक्स ऑफ फ्रूटी एंड फ्लावरी फ्रेग्रेंस। आई लाइक दिस, मतलब मुझे माइग्रेन है बट आई डोंट थिंक दैट दिस विल गिव मी माइग्रेन, इससे कुछ भी प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आपको लाइट परफ्यूम पसंद है, सो यू गाइज कैन ट्राई दिस। नाउ कमिंग टू द ग्लैम, ग्लैम इज डेफिनेटली द स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। मुझे रोज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगी है ग्लैम, एंड इट इज़ मोर लाइक नाइट परफ्यूम। आई डोंट नो वाई मुझे इसको स्मेल करके ऐसा फील आ रहा है दैट यू शुड अप्लाई इट एट नाइट, क्योंकि डे में थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। एंड फॉर नाइट फॉर पार्टी फंक्शंस यू कैन गो विद दिस वन। इसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी सी तिखी तिखी सी है, मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट येस मतलब थोड़ा सा इसके अंदर तीखापन है एंड नॉट माई टाइप एक्चुअली। मतलब मुझे ग्लैम वाला जो है, ये दिस डज नॉट डिफाइन मी। मतलब मुझे थोड़े लाइट सूदिंग फ्रेश फ्रेग्रेंसेस पसंद है। फ्लोरल भी आई कैन गो विद, अगर वो लाइटर साइड पे है तो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो, बट आई डोंट थिंक दैट आई एम गोना वेयर दिस।
अच्छी फ्रेगरेंस है, मैं ये नहीं कहूँगी अच्छी फ्रेगरेंस नहीं है, बट मेरे लिए नहीं है। मुझे थोड़ी सी लाइट परफ्यूम्स, लाइट फ्रेगरेंसेस ज़्यादा पसंद है, बट इज़ अ गुड परफ्यूम। मुझे ऐसा लगता है ये मुझे माइग्रेन दे सकता है अगर मैं इसको ज़्यादा लगाऊंगी तो। नाउ कमिंग टू सेन्योरिटा गाइज, ये मैंने वहाँ पे भी इसको स्मेल किया था एंड बिलीव मी दिस इज़ अ वेरी गुड परफ्यूम। यस इट इज़, सेन्योरिटा इज डेफिनेटली अ गुड परफ्यूम। दिस इज मोर ऑन द फ्रेश साइड, जैसे जैसे परफ्यूम्स मुझे पसंद है ना, सो दिस इज ऑन द फ्रेश साइड। यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस परफ्यूम, वेरी नाइस, वेरी सूदिंग, एंड आई कैन स्मेल इट ऑल डे। इतना इतना ज्यादा अच्छा परफ्यूम है, बहुत अच्छा है गाइज। यू मस्ट गेट दिस वन, मतलब ये तो खरीद ही लेना। चार का सेट खरीदोगे तो, अभी तक मुझे सिर्फ ग्लैम में ही प्रॉब्लम लगी है, तो वो भी अच्छा था, और ये भी, ये तो बहुत अच्छा है। दिस इज माई फेवरेट, मतलब इन इन चारों में आई थिंक मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है। बाकी तीन मैंने वहाँ पे जाके वहाँ पे स्मेल नहीं किए थे, यहाँ पे मैंने जब स्मेल किए तो अभी आपके सामने मुझे रोज पसंद आया। ग्लैम ओके ओके है, मतलब आई कैन अप्लाई इट एट नाइट टाइम, बट वही है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है शायद मुझे माइग्रेन हो जाए। बट दिस इज अ वेरी गुड परफ्यूम गाइज, बहुत अच्छा परफ्यूम है। नाउ कमिंग टू डेट, डेट को ऐसे स्मेल करके मुझे क्या याद आ रहा है, आपने कभी अगरबत्ती धूपबत्ती की ऐसे फ्रेगरेंस देखी है? जब आप मंदिर में जाते हैं डेट को स्मेल, मतलब नाम डेट है बट मुझे इसको स्मेल करके ऐसे मंदिर वाली वाइब्स आती है, मंदिरों में ऐसी फ्रेगरेंस आती है। लेट मी स्प्रे इट, तब मैं थोड़ा ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगी। नो स्प्रे, आई गाइस स्प्रे करने के बाद बिल्कुल ही अलग फ्रेगरेंस है, वेरी फ्रूटी, वेरी फ्रूटी, बहुत ज्यादा मीठी मीठी सी फ्रेगरेंस है इसकी। नहीं अब तो बिल्कुल ही, मतलब स्प्रे करने के बाद तो मेरा बिल्कुल ओपिनियन चेंज हो गया। आई थिंक मुझे बाकी दो परफ्यूम जो है रोज और ग्लैम वो भी स्प्रे करके देख लेने चाहिए अभी के अभी। दिस इज वेरी फ्रूटी एंड अ वेरी गुड फ्रेगरेंस। अगर आपको फ्रूटी और मीठी मीठी सी फ्रेगरेंस पसंद है ना, सो डेट इज डेफिनेटली द वन। बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है, मतलब इसको स्मेल करके मुझे ऐसे लॉलीपॉप्स याद आ रही हैं, टॉफीज होती थी ना वैसा कुछ, मतलब ऐसा कुछ खाने का मन कर गया। लेट मी ट्राई दिस रोज वन ऑल्सो, मैं बैक पे लगा लेती हूँ, यहाँ पे बैक हैंड पे। जब मैंने इसको रोज को अप्लाई किया ना, ये एकदम एकदम ही जैसे फ्लावर होता है ना, एकदम वैसी फ्रेगरेंस है, बिल्कुल रोज जैसी आ रही है। ऐसा लग रहा है अभी अभी रोज वाटर मैंने अपने हाथ पे ऐसे स्प्रे किया है। वेरी नाइस परफ्यूम, वेरी लाइट ऑल्सो, मतलब स्टार्टिंग में जैसे स्ट्रॉन्ग लग रहा था, आई न्यू कि लाइट होगा, बट इतना लाइट होगा आई डोंट नो। बहुत अच्छी है, वेरी वेरी गुड परफ्यूम। आई थिंक ग्लैम के बारे में भी मेरा जो ओपिनियन है ना वो चेंज होने वाला है। लेट्स ट्राई, नहीं ये तो स्ट्रॉन्ग ही है, ये तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है। पता नहीं यार, मैंने स्प्रे कर लिया, रात का टाइम मुझे सोना है, और मैं कैसे सो पाऊंगी सही फ्रेगरेंस के साथ। ठीक है कोई बात नहीं, दिस इज स्ट्रॉन्ग, दिस इज डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग, और ये अब मंदिर वाली वाइब से था मुझे, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस आ रही है। इस पूरे पैकेज में ना तीन जो परफ्यूम्स हैं, दैट इज डेट, सेन्योरिटा एंड रोज, दीज थ्री आर अमेजिंग, वेरी गुड फ्रेगरेंसेस। लेकिन ग्लैम, आई डोंट लाइक ग्लैम। आपको पसंद आ सकती है, हो सकता है आपको स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंसेस पसंद हो तो आपको पसंद आ जाए, बट मेरे लिए इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस काम नहीं करता है। वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस डेट इज वेरी फ्रूटी एंड गुड, मतलब अगर आप फ्रूटी पसंद करते हैं तो गुड। ऐसे बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं देगा, सर दर्द नहीं देगा। रोज इज वेरी सूदिंग, वेरी नाइस, एकदम गुलाब जैसी। एंड सेन्योरिटा तो है ही मेरा फेवरेट, सेन्योरिटा आई लव इट। अच्छा हाँ, सेन्योरिटा से मुझे याद आया, सेन्योरिटा से मुझे याद आया, मेरे पास सेन्योरिटा मैंने पहले भी स्मेल किया हुआ है,
ये मेरी सिस्टर इन लॉ के पास ये बड़ी वाली बॉटल पड़ी हुई थी, यू कैन सी उन्होंने कितना ज्यादा यूज कर लिया है। शी हार्डली यूजेस परफ्यूम्स, उनको परफ्यूम्स ऐसे बहुत जल्दी पसंद नहीं आते हैं, और वो ये परफ्यूम काफी टाइम से यूज कर रही हैं। सो जब भी वो परफ्यूम लगाती थी ना, आई यूज टू आस्क हर व्हाट आर यू वेयरिंग, सो शी टोल्ड मी दैट शी इज वेयरिंग बेला विटा एंड अमेजिंग परफ्यूम। मतलब इसका तो बड़े वाला बॉटल ले ही लेना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है और काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है गाइस, बहुत अच्छे लंबे टाइम तक टिकता है। तो ऐसा नहीं है कि लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम नहीं है, दीज आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग। मेरा जो फेवरेट परफ्यूम है ना, वो मैं आपको बिल्कुल एंड में दिखाऊंगी। अभी मैं आपको ये सेट दिखाने वाली हूँ। आई गॉट दिस होल सेट ऑफ वाइट ऊद। सो वहाँ पे एक सेक्शन है यूनिसेक्स परफ्यूम्स का, एक मेंस परफ्यूम है, एक वुमेन वुमेन परफ्यूम है, और एक है पूरा का पूरा यूनिसेक्स परफ्यूम जिसके अंदर चार परफ्यूम्स आते हैं। उसमें से आई सिलेक्टेड दिस वाइट ऊद, और मुझे ऐसा लगा दैट इंस्टेड ऑफ बाइंग अ बिग बॉटल, क्योंकि बॉटल को यूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेट्स बाय द होल पैकेज जिसके अंदर एक परफ्यूम आता है, एक शार जेल आता है, एक डिओड्रेंट आएगा, इसका कैप रहेगा इसी के अंदर, कैप निकाल लेते हैं, ये डिओड्रेंट आता है एंड दिस इज दी बॉडी लोशन। या मैंने इसको अभी तक ओपन भी नहीं किया है, सी इट इज ब्रांड न्यू एकदम ही। सो वाइट ऊद ना बहुत अच्छा है, मतलब अगर आप डाइसी हैं वेदर यू शुड बाई दिस परफ्यूम और नॉट, कोई भी ऐसे परफ्यूम नहीं, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, यू गाइस कैन बाई दिस वन। और इफ यू वॉन्ट टू गिफ्ट योर पार्टनर अ परफ्यूम एंड यू वॉन्ट टू अप्लाई इट योर सेल्फ ऑल्सो, तो उस केस में भी आप ये गिफ्ट कर सकते हैं परफ्यूम। वेरी नाइस। लाइटर साइड पे है सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जब हम ऐसे स्मेल करते हैं तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा स्ट्रांग लगता है। सो अभी क्या करते हैं, ये लेते हैं पेपर, इस पे स्प्रे करते हैं। वेरी फ्रेश, वेरी नाइस, बहुत अच्छा परफ्यूम है, वेरी नाइस परफ्यूम है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा परफ्यूम है। मतलब अगर अगर आप टाइसी हैं, अगर आप फीमेल हैं और आपको मेल परफ्यूम पसंद है, गो फॉर दिस वन। अगर आप मेल हैं, आपको अपनी पार्टनर को कोई परफ्यूम देना है और आपको खुद भी यूज करना है, बाय दिस वन। सो दिस इज फॉर एवरी सिंगल पर्सन आउट देयर, बहुत 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 अच्छा, जितनी तारीफ करूँ उतना कम है, वेरी नाइस परफ्यूम। और सबसे बढ़िया बात मुझे पता है क्या लगी है, लाइक इतने कम प्राइस में मुझे डिओड्रेंट भी मिला है सेम, और मुझे ये शाजल और बॉडी लोशन भी मिला है। इसका फायदा क्या है, अगर मुझे अपने परफ्यूम को और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो ये शाजल, पहले शाजल उसके बाद बॉडी लोशन एंड देन वेयर योर परफ्यूम, उससे आपका जो परफ्यूम है वो थ्रू आउट द डे ऐसे लास्ट करेगा एंड यू विल स्मेल सो गुड। सो ये सोचकर मैंने ये पूरा सेट ले लिया था। और एक और चीज़ मैंने सोची थी दैट माई हस्बैंड ही यूजेस डिओड्रेंट्स कभी कभी, एक क्लिनिक का डिओड्रेंट है यार, अगर आप, मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, अगर आप डिओड्रेंट्स पसंद करते हैं और आपको सिट्रसी फ्रेग्रेंस थोड़ी सी पसंद है, लेमनी सिट्रसी, देन क्लिनिक का आता है हैप्पी करके एक डिओड्रेंट, ऑरेंज कलर की वो बॉटल आती है, अमेजिंग अमेजिंग डिओड्रेंट, मुझे बहुत पसंद है वो। सो अगर फ्रेश और ऐसे कुछ ऐसे सिट्रसी फ्रेग्रेंस चाहिए, सो गो फॉर दिस वन। सो ही यूजेस डिओड्रेंट्स, दैट इज वाई आई बॉट दिस, ताकि उसके अंदर एक डिओड्रेंट भी आ जाए और मेरा भी काम बन जाए। सो ये एक पूरा सेट आया था, वेरी वेरी नाइस कलेक्शन, मुझे ये आइडिया बहुत पसंद आया। अगर आपको गिफ्ट भी करना है ना, तो ये पूरा सेट आप गिफ्ट कर सकते हैं, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छा गिफ्ट होगा। एंड नाउ कमिंग टू माई फेवरेट परफ्यूम विच आई बॉट एंड दैट इज दिस, नाम देख लीजिए, नाम है हॉट मेस, और ये परफ्यूम है बहुत ही अमेजिंग। ऐसे ओपन होता है लाइक दिस एंड हियर इज द बॉटल, डू सी, बहुत ही अमेजिंग है। तो पैकेजिंग, सी द पैकेजिंग एंड द परफ्यूम, अमेजिंग। मतलब दिस इज द बेस्ट परचेज अमंग ऑल दीज परफ्यूम्स, ये सारे परफ्यूम्स में दिस इज द बेस्ट वन। इसको भी स्मेल करने के लिए आई नीड समथिंग,
तो हम ये एक मुझे सैंपल मिला था कुछ क्लिनिक का, इसके कार्ड पे इसको स्प्रे कर लेते हैं। वेरी फ्रेश, मतलब बहुत ही ऐसे इसको स्मेल करके ना ऐसे एकदम फ्रेश वाइब्स आ जाती हैं। बहुत अच्छा परफ्यूम है गाइस, मतलब इसको तो आंख बंद करके ले लेना। यू गर्ल्स, यू गो एंड यू गेट दिस परफ्यूम। अगर आपको ना ऐसे बिल्कुल समझ ही नहीं आता कि क्या परफ्यूम लेना है, अगर आपको अपना टेस्ट ही नहीं पता कि आपको क्या पसंद है, और आपको चाहिए था कि यू शुड स्मेल गुड, सो दिस इज द वन। इसकी एक बात जो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगती है, दैट ये इतना लाइट हो जाता है बाद में कि इसको, मतलब आपको तो फ्रेग्रेंस आती रहेगी, सामने वाले को तभी पता चलेगा व्हेन यू आर वेरी क्लोज, ठीक है। तो ऐसे जब आप पास हो रहे हैं तो शायद ही फ्रेग्रेंस आए, अगर काफी टाइम बीत गया है तो, मतलब अगर 4-5 घंटे हो गए इसको लगाए हुए तो इसका थोड़ा सा फ्रेग्रेंस जो है कम हो जाता है और लाइट हो जाता है। बस दैट इज द ओनली थिंग दैट आई डोंट लाइक, बट अदरवाइज द फ्रेग्रेंस इज अमेजिंग। मतलब आई डोंट हैव वर्ड फॉर दिस परफ्यूम, इतना अमेजिंग है। क्योंकि मुझे फ्रेश फ्रेग्रेंसेस पसंद है, तो जब मैं वैसे भी जब मैं गई थी ना वहाँ पे बेलाविटा के आउटलेट पे, तो आई आस्क्ड हर, वहाँ पे एक सेल्स वुमेन थी, सो आई टोल्ड हर दैट आई लाइक फ्रेश फ्रेग्रेंसेस, सो प्लीज सजेस्ट मी समथिंग। सो शी सजेस्टेड मी द सेनोरिटा वन, दिस इज द दिस वन जो मेरे को 4 वाले पैक में था, उसमें बड़ी बॉटल उन्होंने मुझे दिखाई थी, और ये मुझे दिखाई थी। ये उनका ना थोड़े प्रीमियम कलेक्शन में आता है, जो आप दूसरी वाली बॉटल लेते हैं ना, वो आपको आएगा 699 की पड़ती है बड़े वाली, और ये वाली थी 899 की। हाँ, और मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला था, नायका पे डिस्काउंट है, सो आई थिंक यू शुड परचेज फ्रॉम नायका, वहाँ पे ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक्स मैं आपको दे दूंगी, सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सो शी शोड मी दीज टू परफ्यूम्स, ठीक है, एंड शी शोड मी दिस वन ऑल्सो, ये बेलाविटा का जो पूरा सेट आता है। सो इनिशियली आई परचेज दिस ओनली, और वो सेट मैंने परचेज कर लिया था बिकॉज आई लाइक सेनोरिटा एज वेल, और मुझे लगा कि यार इतना, मतलब इन्वेस्ट करना बड़ी बॉटल में आई डोंट थिंक इज अ वेरी गुड आइडिया, सो लेट्स जस्ट स्किप दिस वन, लेट्स परचेज दिस और वो बेलाविटा का सेट। देन वॉट हैपन्ड कि मैंने परचेज किया, एंड आई वॉज ऐसे ही वॉकिंग इन दी मॉल, ऐसे ही हम घूम रहे थे गर्धा को लेके, एंड आई वी हैड अ मील। उसके बाद व्हेन वी वर गोइंग बैक, तो मुझे फिर से आउटलेट दिखा, आई वॉज लाइक यार आई नीड टू गेट दिस परफ्यूम, मुझे तो चाहिए चाहिए। सो आई बॉट दिस हॉट मैस, जैसे नाम है ना, मतलब उतना, मतलब हॉट में ऐसे आपको लगेगा कि एकदम ही ऐसे तो कैसा परफ्यूम होगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। वेरी लाइट, वेरी फ्रेश एंड वेरी गुड परफ्यूम। सो यस गाइस, दीज वर ऑल द परफ्यूम्स। बहुत सारा बातें हो गई, बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने इस परफ्यूम के बारे में। ये सारे परफ्यूम्स थे जो मैंने परचेज किए हैं, आप जाके चेक कीजिए, अगर इसमें से कोई भी रिकमेंडेशन मेरी पसंद आ जाती है तो वो परचेज कर लीजिए। जैसे कि मैंने बताया हॉट मैस बहुत अच्छा है, या फिर सेनोरिटा आप परचेज कर सकते हैं, या फिर वाइट उड आप परचेज कर सकते हैं। दीज थ्री आर माई टॉप रिकमेंडेशन, यू गाइस कैन गो एंड परचेज इट। और इसके अलावा अगर आपने कोई परफ्यूम यूज किया ना, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपने कौन सा परफ्यूम यूज किया और आपको कौन सा परफ्यूम पसंद आया। आज की वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही और वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।